डियर स्टूडेंट, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान से देखो, आप यहाँ पर मैंने टूल्स मेनू के अंतर्गत स्टूडेंट्स इन सभी ऑप्शन को आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर विंडो मेनू के अंतर्गत न्यू विंडो और क्लोज विंडो के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स विंडो में तो दो ही ऑप्शंस हैं, न्यू विंडो और क्लोज विंडो। क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको आप ध्यान से देखो। न्यू विंडो क्या है स्टूडेंट्स, देखो यदि मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा ना तो एक नई विंडो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, जो विंडो चल रही होगी उसी की, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ भी राइट कर देता हूँ, ये देखो इस तरीके से, और मैं विंडो में जाऊँगा। न्यू विंडो पर जैसे ही क्लिक करूँगा ना स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो सेम कॉपी उसी की आपकी तैयार हुई है। देखो नीचे भी एक विंडो आपको नज़र आ रही है, सेम ही टेक्स्ट राइट किया गया है ऊपर भी। तो इसने क्या किया स्टूडेंट्स, पता है आपको, यहाँ पे इसने ये कर दिया कि जो विंडो आपकी यहाँ पे ऊपर दिख रही थी इसी की सेम कॉपी आपकी ये वाली विंडो वाला जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, बना रहा है। देखो मैंने एक कॉपी और बना दिया, तो देखो तो अब तो तीन तीन कॉपी हो गए होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। देखो जैसे ये फर्स्ट कॉपी हो गया, अब इसके नीचे एक और कॉपी होगा, देखो तो अलग अलग तीन कॉपी बन गई कि नहीं बन गई स्टूडेंट्स। और ध्यान से देखो आप यहाँ पे तो नीचे आपको आपको इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है, अनटाइटल्ड वन की कितनी कॉपीज बनाए हैं, मैंने तीन कॉपी बना रखी है स्टूडेंट्स। यदि आप क्लोज करना चाहते हो तो ध्यान से देखो इसे क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, देखो एक बंद हो गया, अब कितना दिखेगा, दो ही दिख रहा है ना, वन और थ्री, फिर से मैंने क्लोज किया स्टूडेंट्स, तो देखो तो स्टूडेंट्स बंद हो गया कि नहीं, अब क्या रह गया सिंगल, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा स्टूडेंट्स ये वाले पे क्लोज पे, तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा लिब्री ऑफिस राइटर आपका बंद हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल पहले ऑलरेडी बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ये बन गया है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। नीचे वाले पे देखो जो मैंने बनाया था स्टूडेंट्स, ठीक है यही वाला था ना, मैं क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ठीक है क्लोज पे क्लिक करते ही आप नीचे यहाँ पर ऑप्शन पूछ दिया गया कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, मैंने कह दिया नहीं डोंट सेव, मैं नहीं चाहता हूँ। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो गया, विंडो में जितना भी मैंने यहाँ पे खोल रखा था स्टूडेंट्स वो दोनों या जितनी भी फाइल मैंने खोली थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। सो क्या समझा आपने, न्यू विंडो के अकॉर्डिंग जो विंडो चालू हो उसकी सेम कॉपी आप क्रिएट कर सकते हो स्टूडेंट्स जितनी मर्जी उतनी, और क्लोज विंडो के माध्यम से आप उसे क्या कर सकते हो, विंडो को बंद कर सकते हो। विंडो की शॉर्टकट क्या होती है तो क्या बताओगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होता है ना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स आपने विंडो के भीतर न्यू विंडो और क्लोज विंडो ऑप्शन को पढ़ लिया होगा। स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियोज को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।